इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एरिया की जिसे न्यू नोएडा या DNGIR बनने का सबसे ज्यादा फायदा होगा। हम जानते हैं कि न्यू नोएडा का असली नाम है DNGIR यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। हम ये भी जानते हैं कि न्यू नोएडा का मास्टर प्लान बनाने का काम 9 जुलाई 2021 को शुरू हो चुका है। न्यू नोएडा को DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में न्यू नोएडा DMIC का हिस्सा है। इसमें बुलंदशहर के 60 और ग्रेटर नोएडा के 20 गांव समेत कुल 80 गांव शामिल किए गए हैं। नया नोएडा मौजूदा नोएडा से भी बड़ा होगा। 209 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 20,900 हेक्टेयर में फैले न्यू नोएडा का मास्टर प्लान बनाने के लिए पिछले महीने नोएडा अथॉरिटी और दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच अग्रीमेंट हो चुका है। अगले लगभग 8 महीने में ये ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार हो जाने की उम्मीद है। नोएडा और दिल्ली के SPA यानी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का मानना है कि न्यू नोएडा का सबसे ज्यादा फायदा दादरी को मिलेगा और फ्यूचर में दादरी एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप होगा। अथॉरिटी और SPA के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर है जो दादरी से मुंबई तक जाता है। इसी तरह से एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है जो अमृतसर से कोलकाता तक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने के लिए खुर्जा से एक लाइन आ रही है जो दादरी से जुड़ेगी। दादरी पहले से ही न्यू नोएडा यानी DNGIR का हिस्सा है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए ये साफ है कि दादरी एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी और भविष्य में दादरी इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। इसके अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी गतिविधियों और उनके प्रोडक्ट्स को भी दादरी के रास्ते फ्रेट कॉरिडोर से देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने में मदद मिलेगी। सर्वे के मुताबिक DNGIR का 80% इलाका खाली पड़ा है। दादरी के आसपास खेती की काफ़ी ज़मीन है। काम करने के लिए लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो इंडस्ट्रियल कामों के लिए काफ़ी अच्छा है। ग्रेटर नोएडा की ओर से पहले से ही यहाँ लॉजिस्टिक हब, बोडाकी में मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब और ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें दादरी को इंडस्ट्रियल हब बनाने में काफ़ी मदद करेंगी।